NHPC, एक ऐसा स्टॉक जो काफी ज्यादा वायरल हुआ, हर एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हो चाहे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो, सभी लोगों की जुबान पर एक ही स्टॉक का नाम था NHPC, एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिस पर लोग काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे। लेकिन चीज का हुआ, आज से ठीक 9 दिन पहले 5 फेब को स्टॉक जो था वो अपने ऑल टाइम हाई पे था, 115 रुपए पे था, धड़ाम से फिर बाद में स्टॉक नीचे गिरता है, कुछ ही दिनों में स्टॉक पहुंच जाता है 77 रुपीज के मार्क पे, 30-40% स्टॉक क्रैश हुआ सिर्फ कुछ ही दिनों में, कुछ ही सेशंस में, एंड उसके बाद अगेन थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर आया एंड 88 रुपीज पे अभी स्टेबल हुआ है स्टॉक। सो ऐसा क्या हो NHPC में, क्या स्टॉक जो है वो बुरा है, क्या उसमें अभी एग्जिट हमें कर लेना चाहिए, क्या NHPC में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्या अभी हम NHPC में एवरेजिंग करें, क्या NHPC जो कंपनी है वो ट्रस्टेड है, क्या अगेन वो हमारा पैसा तो नहीं डुबाएगी, अभी हम NHPC में लॉस में है, क्या अभी हमें NHPC से एग्जिट कर लेना चाहिए। आई नो आपके माइंड में सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे, डोंट वरी, आपको आज के वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है गाइस। सो आज के जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है उसको हम थोड़े बहुत पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि भाई किस तरह से पूरे वीडियो का फ्लो रहने वाला है। सो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों ये NHPC का जो शेयर है वो नीचे गिरा, आखिरकार ये स्टॉक नीचे क्यों गिरा, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा NHPC के करंट फाइनेंशियल्स के बारे में कि भाई अभी जो डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है कंपनी का, वो क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या NHPC को अभी होल्ड करना है या बेच देना है या फिर फ्रेश एंट्री करनी है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, 100% फ्री है सब्सक्राइब करना, लेकिन उसके सामने जो आपको नॉलेज शेयर किया जाएगा, जो डिलीवर किया जाएगा नॉलेज, आपको आगे जाके आपकी फाइनेंशियल जर्नी में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो साथ में वो बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। सो आइए गाइस फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार NHPC का शेयर क्यों गिरा, आइए उस पर हम बात करते हैं। उसके काफी सारे रीजन है, ये शेयर के गिरने के पीछे के काफी सारे रीजन है, लेकिन एक जनरल रीजन से हम बात करेंगे, उसके बाद हम कंपनी लेवल पर आएंगे। सो एक जनरल लेवल की बात करो तो NHPC एक PSU स्टॉक है, गवर्नमेंट स्टॉक है, गवर्नमेंट कंपनी, एंड आप अगर PSU स्टॉक्स की अगर पिछले 3-4 महीने के डेटा निकालोगे तो PSU स्टॉक्स ने बेहतरीन रिटर्न्स दिए है, PSU स्टॉक्स काफी अच्छी तरह से बढ़ रहे थे, काफी अच्छी तरह से वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते जा रहे थे। सो जाहिर सी बात है कि स्टॉक मार्केट का रूल है, कोई भी स्टॉक हो या कोई भी इंडेक्स हो, कभी भी वो सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाता, उसमें आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। सो जो चीज ऊपर गई है वो नीचे तो आने ही वाली है। सो जाहिर सी बात है कि कंसिस्टेंटली अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक होने ही वाला है। सो चीज क्या हुआ, इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, सिर्फ इसमें नहीं, ओवरऑल सभी जो एक PSU सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स थे सभी स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिले है। एवरेज पूरा जो सेक्टर है PSU सेक्टर जो है वो 15% से 15% से नीचे गिरा है, ठीक है। सो सिर्फ अकेले ये पर्टिकुलर स्टॉक की गलती नहीं है, ओवरऑल सेक्टर में ये जो गिरावट है वो देखने को मिली है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी स्टॉक को ये इंपैक्ट किया है मार्केट ने, नो, ओवरऑल पूरे सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है। अभी आइए बात करते हैं और ज्यादा डिटेल में, जानते हैं इस स्टॉक के बारे में। सो ये जो स्टॉक है, जहां पे मैं यहां पे क्लियरली देख पा रहा हूं कि स्टॉक ने 12 फेब को 12 फरवरी 2024 को 1.40 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ओके, सो ये रूल है, आप देखोगे अगर आप किसी भी स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे जो डिविडेंड देता है आप देखोगे, सो जो भी स्टॉक कभी भी अगर डिविडेंड अनाउंस करता है तो उस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती ही है। व्हाई? बिकॉज वो जो स्टॉक है वो आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर रहा है डिविडेंड के तौर पे, सो वो जो पैसा आपको दिया जाता है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से तो की जाएगी। सो ये जो स्टॉक है उसने डिविडेंड अनाउंस किया जिसकी वजह से भी गिरावट देखने को मिले है। तो सबसे पहला रीजन था कि भाई ऑल ओवर जो सेक्टर लेवल पे जो चीज हो रही थी उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। दूसरा जो रीजन था कि भाई ये स्टॉक ने डिविडेंड डिक्लेयर किया जिसकी वजह से उसमें गिरावट देखने को मिली। और तीसरा जो सबसे मेन रीजन था वो ये था कि दिसंबर 2023 में जो लास्ट क्वार्टर रहता है, 23 का जो लास्ट क्वार्टर था, वो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ, एंड क्वार्टरली रिजल्ट जो इस कंपनी का जो था वो कुछ खास नहीं आया। सो काफी ज्यादा उसमें सेल्स एंड प्रॉफिट में भी कंपनी में गिरावट देखने को मिली। सो खैर मैं क्वार्टरली रिजल्ट पे उतना ज्यादा डीप में अभी डिस्कस आपके साथ नहीं करूंगा। ये वो तीन मुख्य कारण थे जिसकी वजह से स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिले। सो सेक्टर का तो प्रेशर था ही, उसके साथ
साथ स्टॉक ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कुछ अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से इतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला इस स्टॉक में। अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर मुझे अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो क्या मैं करूंगा या नहीं करूंगा एंड अगर मेरे पास ये स्टॉक अभी मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा है तो मैं क्या करूंगा इस स्टॉक के साथ, वो भी मैं आज अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो सबसे पहले अगर आइए बात करें कि भाई क्या ये स्टॉक जो है वो मुझे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले तो कंपनी का जो है फंडामेंटल चेक करूंगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करूंगा। अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स तो मैंने ऑलरेडी चेक कर दिए है, काफी सारे पैरामीटर्स पर मैंने कंपनी को टेस्ट कर भी दिया है, लेकिन फिर भी कंपनी की कुछ थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है जो मुझे लग रहा है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए वो मैं अभी फिलहाल आपके साथ शेयर कर देता हूं। अभी कंपनी क्या करती है आई होप अभी सभी लोगों को पता होगा, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। कंपनी जो है वो पावर जनरेशन का काम करती है, कैसे? सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करके, सोलर हो गया, विंड हो गया, सो ये जो कंपनी है वो सोलर के जरिए या फिर जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है एंड फिर अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो ये गवर्नमेंट कंपनी है। अभी इस कंपनी के काफी सारे जेवी ज्वाइंट वेंचर्स है, कंपनी को काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, ऑनलाइन आपको सभी इन्फ्लुएंसर्स ने ये सारी चीजें बता दी होगी, सो इस चीज में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, सीधे इसके फाइनेंशियल्स पे आते हैं। सो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर कंपनी की, तो कंपनी का आरओई है 10.8% एंड आरओसी इज 8.49%। सो कंपनी के जो आरओसी है वो कुछ खास नहीं है, यहाँ पे कोई इतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे मुझे कंपनी के ये रिटर्न्स में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और ज्यादा आगे बढ़ते कंपनी की अगर एसेट्स की बात करो, 89,000 करोड़ की एसेट्स है, जिसके सामने लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 9,000 करोड़ की है, जो काफी ज्यादा एक अच्छी बात है। कंपनी के पास 29,000 करोड़ के रिजर्व जो है वो ऑन हैंड है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कंपनी का क्रेडिट डेज कितना है, क्रेडिट पीरियड कितना है, उसकी अगर मैं बात करूं, क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है कि आप जो भी माल अपने कस्टमर्स को या फिर अपने डीलर्स को बेचते हो तो वहां से फिर पेमेंट रिकवरी में कितना टाइम लगता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो क्रेडिट डे है उसका टोटल ड्यूरेशन है 212 दिन का। मतलब कि कंपनी ने चलो मान लो पावर जनरेट किया, अपनी इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं बेच दी, तो वहां से जो पेमेंट आना चाहिए उसमें कंपनी को 212 दिन का टाइम लगता है। सो कंपनी का यहां पे क्रेडिट पीरियड जो है वो काफी बड़ा है, जो बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का, क्योंकि अगर मेरा पैसा टाइम पर मेरे पास आ ही नहीं रहा मेरे धंधे में तो उतने पीरियड तक तो मुझे मेरे पॉकेट से पैसा निकालना पड़ेगा, प्लस इतना लेट जब पेमेंट मेरे पास आता है तो उतने दिन का जो ब्याज है उसका भी मुझे लॉस हुआ। सो यहां पे ये कंपनी का एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। और ज्यादा आगे बढ़ते कंपनी के अगर कुछ पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के सेल्स में मुझे उतना कोई किसी भी तरीके का खास यहां पे मुझे ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट अगर मैं 3 फाइनेंशियल ईयर्स की बात करूं, मैं ज्यादातर किसी भी कंपनी में अगर सेल्स हो या प्रॉफिट हो मैं पिछले 3-4 सालों का ही मैं डेटा कंपेयर करता हूं। तो यहां पे अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का टोटल सेल्स था 9,600 करोड़ का, मार्च 2022 जो फाइनेंशियल ईयर 22 है उसमें सेल्स ड्रॉप हुआ 9,100 करोड़ का एंड अगेन फिर मार्च 23 जो फाइनेंशियल ईयर 23 उसमें फिर सेल्स ऊपर आया। सो जो ग्रोथ होना चाहिए सेल्स में वो यहां पे शो नहीं हो रहा। कंपनी के अर्निंग्स में भी किसी तरह से कोई खास फर्क मुझे पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। यहां पे बोरोइंग्स की बात करूं तो कंपनी जो है वो लगातार अपने बोरोइंग्स जो है वो बढ़ाती ही जा रही है, जो अगेन एक अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। कंपनी के अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूं तो कंपनी में FIIs एंड DIIs दोनों ने पिछले 4-5 क्वार्टर की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो अपने होल्डिंग्स को कम किया है। सो ये कंपनी का फाइनेंशियल डेटा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी इसको अगर मैं सम अप करूं एंड मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर करूं तो चीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कंपनी है वो मेरे हिसाब से उसके फाइनेंशियल्स के कंपेयर में कंपनी ओवरवैल्यूड है। मेरे हिसाब से कंपनी अभी भी काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड है। इसका मतलब ये है कि क्या स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाएगा? नो, अभी जो 80-85 या 90 रुपीज पे जो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 200 पे भी जा सकता है, 2000 पे भी जा सकता है, बट मैं मेरे मेहनत का पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे ओवरवैल्यूड का मतलब है रिस्क इस कंपनी के साथ है। सो यहां पे मैं मेरे मेहनत के पैसे ऐसी कंपनी में क्यों लगाऊं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 8000 कंपनियां पड़ी है। सो मैं NHPC में तो अवॉइड करूंगा मेरा पैसा इन्वेस्ट करना रादर देन NTPC। मैं NTPC बेहतरीन कंपनी है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं NHPC को तो अवॉइड करूंगा भले ही ये बेहतरीन कंपनी है, भले ही कंपनी को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले वगैरह वगैरह, क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्ट मिला है उसके बेस पे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना वो बेवकूफी से ज्यादा कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा काम है आप तक ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आप तक पहुंचाना, ठीक है। सो यहां पे आपके पैसे फंस सकते मुझे लग रहा है। अभी जो लोग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको मैं बता दूं कि क्या चीज है, क्या फंडा है, ठीक है, या तो फिर अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कौन से बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूं। मैं
ऐसा नहीं बोल रहा कि कंपनी बुरी है, आपके पैसे डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है, कंपनी ओवरवैल्यूड है, दैट्स इट, ठीक है। सो यहां पे अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एंड अगर आप अभी लॉस में हो, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, स्टॉक में रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, इस स्टॉक में आपको आगे जाके रिकवरी देखने को मिलेगी, शायद आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, 2-3 महीने। अगर उससे पहले रिकवरी दिखती है डेफिनेटली आप उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, लेकिन पैनिक नहीं होना, यहां पे आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर आपको इस स्टॉक में अगेन इन्वेस्ट करना है, फ्रेश एंट्री करनी है, तो अगर आपका फंडा ये है कि आपको डिविडेंड इनकम चाहिए, अच्छी डिविडेंड इनकम चाहिए, तभी इस स्टॉक में आप जा सकते हो। क्योंकि अगर मैं डिविडेंड की बात करूं इस स्टॉक में पर्टिकुलर, तो इस कंपनी में जो डिविडेंड पे आउट है वो अराउंड 52-48%, एवरेज 45% का डिविडेंड पे आउट इस कंपनी ने मेंटेन रखा है। डिविडेंड पे आउट जो है ये 50% जो मैं बोल रहा हूं, 45% वो किसका, फेस वैल्यू का, 45% to 50%, ठीक है। एंड अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो यहां पे इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 2%, मतलब कि अगर आप इस कंपनी में 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सालाना 2,000 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक। सो मेरा तो यही फंडा रहता है, मैं डिविडेंड कंपनीज को थोड़ा अवॉइड करता हूं। अगर कोई कंपनी अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो सोने पे सुहागा है, वो अलग बात है। लेकिन मैं सिर्फ डिविडेंड के लिए, वो भी इतने कम डिविडेंड के लिए इस कंपनी में मेरा पैसा तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अदरवाइज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इस स्टॉक में कि क्या सर स्टॉक गिर जाएगा, 50 पे आ जाएगा, 40 पे आ जाएगा, डोंट वरी, जस्ट होल्ड दिस स्टॉक अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना करें तो ही अच्छा, स्टॉक मार्केट में काफी अच्छी अच्छी कंपनियां है ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है। मेरा काम है आपके पैसे बचने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो फिर आप 2 पैसे और कमाने चाहिए, दैट्स इट। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस सेशन, आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि एनएचपीसी का क्या फंडा है, क्या हो सकता है, जो भी चीज थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज एनएचपीसी में काफी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, काफी सारे लोग इसमें पैनिक कर चुके हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इसमें डर डर के ना जिए, उनके पैसे कहीं पे भी नहीं जाने वाले। एंड दूसरी चीज कि अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है, या तो फिर आप स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट आगे जाके बनाना चाहते हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूं। एंड साथ में वो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी एंड टेक केयर।